स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो सब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी प्रदेश में शराबबंदी कानून को लेकर लगातार अपना पक्ष खुलकर रखते रहे हैं। वहीं एक बार फिर शराबबंदी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। मांझी ने कहा कि जब केंद्र में बैठी सरकार किसानों के विरोध पर कृषि कानून वापस ले सकती है तो ऐसे में बिहार सरकार शराबबंदी कानून वापस क्यों नहीं ले रही है। वहीं पूर्व सीएम ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस मामले में प्रशासन का व्यवहार भी संदेहास्पद है। पैसे लेकर वह लोग बड़े लोगों को छोड़ देते हैं और छोटे लोगों को पकड़कर अपनी वाहवाही लूटते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर शराबबंदी कानून में समीक्षात्मक बैठक करने की मांग करेंगे। बाकी ये बिहार शरीफ की घटना कोई नई घटना नहीं है, गोपालगंज में भी घटना घटी है, समस्तीपुर में भी घटी है, मधुबनी में भी घटी है, आए दिन ये घटनाएं घटती रहती है। और इसका मतलब साफ है कि जो शराब नीति अभी हमारी सरकार की है, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं खामी है, जिसके चलते ये सब बातें हो रही है। तो इस चीज़ को शराबबंदी का जो यह कानून है उसमें बहुत पहले भी हमने कहा था कि इसमें समीक्षा होनी चाहिए। इसका एक पहलू ये भी है कि ये तो गरीब लोग पी करके मरते हैं, और केस मुकदमा भी होता है तो गरीबों पर ही केस मुकदमा हो जाता है, और वही लोग आज प्रायः चाहे तो कार्रवाई में हैं या नहीं तो जेल में हैं। और जेल में सुप्रीम कोर्ट का मामला भी है, माननीय उच्चतम न्यायालय का भी मामला है कि वो लोग बिहार सरकार के खिलाफ टिप्पणी की है कि इतना केसेस है शराब से संबंधित कि सारे जजेज उच्च न्यायालय के उसी में लगे हुए हैं। और दूसरा केस होता है, अगर जमानत का भी केस होता है तो उसकी पारी साल भर में आती है, ये तो उचित नहीं है। और फिर 40 केस में बिहार सरकार ने अपील किया था, वो अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। स्पष्ट है कि जनता तो तराह तराह कर ही रही है, सुप्रीम कोर्ट और माने न्यायालय भी इस मायने में अनेक प्रकार की टिप्पणियां कर रही है। और दूसरी बात कि भाजपा जो मेजर हम लोगों का सहयोगी हैं, उन्हीं लोगों के साथ मिलकर सरकार चलाई जा रही है, उन लोगों का मुखिया भी कुछ इस तरह की बातें बोल रहे हैं, तो मिल बैठ कर के इसको आपस में तय करना चाहिए और इसको पुनर्विचार करना चाहिए। फिर हमने ये कहा कि जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी किसी कानून को विरोध होने पर वापस कर लिए, तो फिर इस केस को, इस नीति को, शराब नीति को पुनः समीक्षा करने में क्या दिक्कत है। इसलिए नीतीश कुमार को हम लोगों ने सजेशन किया है, दिया है, और मिल करके ही बात करना चाह रहे थे। हम दो बार समय उनसे मांगा लेकिन नहीं मुलाकात हुई। और ये भी कहना चाहते हैं कि साहब आप कानून बनाए हैं, अच्छी कानून है, शराबबंदी होनी चाहिए, हम भी उसके पक्ष में हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ दिक्कत हो रही है इसको ज़रूर समझना चाहिए। और इससे पुलिस का जो व्यवहार है संदेहात्मक है, वो लोग इसमें पैसा ले करके बड़े लोगों को छोड़ देते हैं और छोटे लोगों को नाम गिनाने के लिए कि मामला हमने तय किया है, दर्ज किया है, दर्ज कर देते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी से हम लोग अनुरोध किया है और करते हैं और करेंगे भी अगर मुलाकात होती है इधर तो, कि आप शराब का जो नीति आपका 2016 का है उसमें को आप समीक्षा कीजिए।